डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, आर एंड एस नॉमेनक्लेचर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। तो ई और जेड यदि आपको आता है तो उससे बहुत सारी हेल्प आपको आर एंड एस सिस्टम मिल जाएगी। आर का मतलब है रेक्टस, रेक्टस मीन्स होता है क्लॉकवाइज। एस इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज, सिनिस्टर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। कैसे डिसाइड करते हैं हम कि हमारा जो कंपाउंड है, सपोज वी हैव दिस कंपाउंड NH2OH SO3H COH। ये कंपाउंड सपोज हमारे पास है, हमसे पूछा जाए बताओ ये R फॉर्म है या S फॉर्म है। तो R एंड S सिस्टम जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा काइरल कार्बन एटम। क्या जानना है आपको? काइरल कार्बन। व्हाट इज काइरल कार्बन? काइरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। इफ ऑल दी फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाय फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स देन कार्बन इज कॉल्ड एज काइरल कार्बन। ऐसा कार्बन जिसपे चार डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हों ए बी सी डी, इस कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं? देखो ये चारों डिफरेंट है ए बी सी डी, इस कार्बन को बोलेंगे हम काइरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। एग्जाम्पल जैसे यहां देखो ये चारों ग्रुप डिफरेंट है तो दिस इज काइरल कार्बन। ये काइरल कार्बन है हमारा, एक काइरल कार्बन है इसमें। सपोज वी हैव लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या होता है? दिस वन CH3COH HOH, कितने काइरल कार्बन है? वन। ये चारों डिफरेंट है तो वन काइरल कार्बन है। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, दिस इज टार्टरिक एसिड, कितने काइरल कार्बन? एक ये है और एक ये है। कैसे ये काइरल? इस पे एच लगा है, सी ओ एच लगा है, ओ एच लगा है और एक ये पूरा ग्रुप लगा है, चारों डिफरेंट। तो एक काइरल ये है, इस पे ओ एच है, सी ओ एच है, एच है और ये पूरा है। तो दिस कंपाउंड है टू काइरल कार्बन एटम। मान लीजिए हमारे पास में वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आ जाए, दिस वन, कितने काइरल कार्बन है इसमें? इस कार्बन को चेक करो, वन टू थ्री, एक हाइड्रोजन इसमें, एच लगा है, सी एस सी लगा है। ये कौन सा ग्रुप है? सी एच टू। ये भी कौन सा है? सी एच टू। दोनों ग्रुप सेम हो गए। साइक्लिक कंपाउंड यदि अटैच कार्बन सेम है तो वहीं पे नहीं रुकना, उसके आगे चेक करना है उसके नेक्स्ट कार्बन क्या है, सी एच टू। इसका नेक्स्ट क्या है? सी एच टू। यानी ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी सेम हो गए। अगला चेक करो, ये सी एच टू, इसके लिए भी काउंटिंग में आएगा और इसके लिए भी काउंटिंग में आएगा। तो गौर से देखें तो ये दोनों ग्रुप सेम है और दोनों ग्रुप सेम हो गए यदि इस पे, इसका मतलब ये काइरल कार्बन नहीं है। इसमें कितने काइरल कार्बन है? जीरो काइरल कार्बन है। सपोज वी हैव कैम्फर, कैम्फर ले लेते हैं हम, कपूर। कैम्फर का स्ट्रक्चर ये होता है, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर। पूछा जाएगा बताओ इसमें कितने काइरल कार्बन है? इसको देखो बच्चों, यहां ये सी एस सी लगा है, ये सी ओ लगा है, ये सी एस टू लगा है, ये सी सी एस थ्री सी एस थ्री, ये चारों डिफरेंट ग्रुप लगे। तो एक काइरल कार्बन ये है, ये काइरल नहीं हो सकता क्योंकि इस पे दोनों डिफरेंट है, सेम है, दोनों सेम है ये। इसको देखो, ये सी एस थ्री, ये ग्रुप दोनों डिफरेंट हो गए, ये सी एस टू, ये सी एस टू, अटैच कार्बन सेम है। तो अगला चेक करो, अगला इसका सी ओ है, इसका अगला क्या है? सी एस टू। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी क्या हो गए? क्या है? डिफरेंट। एक दो तीन चार, चारों डिफरेंट है। तो एक काइरल कार्बन ये है। कैम्फर में कितने काइरल कार्बन है? दो काइरल कार्बन। तो हम कह रहे थे सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? काइरल कार्बन। जितने काइरल कार्बन है उसमें सब पे आपको बताना पड़ेगा, हर काइरल कार्बन पे वो आर फॉर्म होगी या एस फॉर्म होगी। ई जेड निकाला जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, और आर एस किस पे निकाला जाता है? जिस कंपाउंड में काइरल कार्बन होता है। नाउ इसके लिए सिंपल से हम पहले आपको दो रूल बताते हैं।
जो नॉर्मल हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम बताएंगे आपको वेजन डेस्ट फॉर्मूला में आरएस कैसे निकाला जाता है। रूल फर्स्ट है, सबसे पहले पहला रूल, सबसे पहले क्या करना है जेंटलमैन, जो हमारा काइरल कार्बन, जो हमारा कंपाउंड दिया है उसमें काइरल कार्बन पे जो चार डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हैं उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। क्या करना है? प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। प्रायोरिटी ऑर्डर एटम या ग्रुप का निकालना आप जानते हैं, आपको हमने ईजेड वाले टॉपिक में पढ़ाया है। कैसे पढ़ाया था? यदि एटम लगे हैं तो एटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डर उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे निकालते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। यदि आइसोटोप लगा है तो उसका क्या करना है? मास नंबर देखना है, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। यदि ग्रुप लगा है तो क्या करते हैं? ग्रुप का फर्स्ट एटम देखते हैं और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है। यदि पहला एटम हर ग्रुप में सेम हो जाए तो आपको क्या करना है? सेकेंड एटम देखना है, सेकेंड एटम देखना है, सेकेंड सेम हो जाए तो थर्ड देखना है और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। और पांचवा पॉइंट क्या बताया हमने? यदि ग्रुप में हमारे में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज टू इक्विवेलेंट एटम एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज थ्री इक्विवेलेंट एटम। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ई और जेड वाले में, यदि आपका वो लेक्चर छूट गया तो ई जेड वाला वीडियो आप देख लीजिए, तो जिसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम। ये हमारे पास हमने लिया था NH2, दिस इज OH, दिस इज SO3H एंड दिस इज COH। ये बच्चों हमारे पास में कोई कंपाउंड है, ये काइरल कार्बन है, इन चारों का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। ये सब ग्रुप दिए तो ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के लिए क्या बताया था हमने? उस ग्रुप का क्या चेक करते हैं? ग्रुप का चेक करना है आपको एटॉमिक नंबर, पहले एटम का, फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक करना है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। इसका पहला एटम क्या है? नाइट्रोजन। इसका पहला ऑक्सीजन, इसका सल्फर, इसका पहला कार्बन। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर सल्फर नंबर वन हो गए। नंबर टू कौन हो गया? ऑक्सीजन 8 है। नंबर थ्री कौन हो गया? नाइट्रोजन। नंबर फोर कौन हो गया? हमारा कार्बन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमने निकाल लिया। सबसे पहला रूल क्या है? जो भी हमारे पास में एटम या ग्रुप दिए लगे हैं काइरल कार्बन पे उनका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। हाईएस्ट वाले को नंबर वन देना है, लोएस्ट वाले को नंबर फोर देना है। रूल सेकंड, सेकंड रूल क्या है? बहुत आसान। सेकंड रूल है जेंटलमैन, प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के बाद आप मॉलिक्यूल को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला बॉटम में आ जाए। क्या करना है? लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर यानी नंबर फोर वाला बॉटम में आ जाए। ऐसा करते समय मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल यू मस्ट अरेंज द मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट द एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कम्स इन बॉटम। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाले को बॉटम में लाना है। ऐसा नहीं घुमाना है इसको, पूरा यूं घुमा दीजिए आप पकड़ के तो गलत हो जाएगा। आपको दो दो को घुमाना है, ये दो घुमा सकते हैं, ये दो घुमा सकते हैं। मान लो हमने इन दोनों को घुमाया, इन दोनों को सपोज हमने घुमा दिया, तो यदि किसी कंपाउंड में हम केवल दो ग्रुप को यदि इंटरचेंज करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। हमने क्या कहा? विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल यू मस्ट अरेंज द मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट द एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कम्स इन बॉटम। तो ऐसा क्या करें कि हमारा काम भी हो जाए, लोएस्ट वाला बॉटम में भी आ जाए और मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज ना हो? तो इसका टेक्निक समझ लीजिए। इसका टेक्निक ये है कि यदि आपने इन दोनों को चेंज किया है तो साइमल्टेनियसली इन दोनों को भी चेंज कर दिए। ऐसा करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो अब देखिए क्या हो गया, ये यहां पे नंबर फोर आ जाएगा, यहां नंबर वन चला जाएगा, यहां नंबर टू आ जाएगा, यहां नंबर थ्री आ जाएगा। हमें क्या करना था? फोर्थ वाले को बॉटम में लाना है, यहां लाना है, यहां। बट अभी हमारा फोर्थ वाला बॉटम में नहीं आया, क्या करें? एक बार फिर चेंज करेंगे। इन दोनों को चेंज किया तो इन दोनों को भी चेंज करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। तो क्या बन गया यहाँ पे? देखो बच्चों, यहाँ पे आ गया हमारा फोर, यहाँ आ गया थ्री, यहाँ आ गया टू, यहाँ आ गया वन। हमने क्या किया? विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अरेंज द एटम्स इन सच ए वे दैट द एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कम्स इन बॉटम। लोएस्ट वाला बॉटम में आ गया मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए बगैर। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करना है अपनी आंख को नंबर वन पे रखना है। कहाँ रखना है? वन पे रखना है आपको, और टू की तरफ रोटेट करना है, दो की तरफ घुमाना है।
जब घुमाओ तो याद रखना वन से टू आना चाहिए, टू के बाद थ्री आना चाहिए। ऐसा नहीं वन से चले पहले थ्री आ जाए, फोर से कोई मतलब नहीं, फोर्थ को बॉटम में लाके भूल जाना है। वन से चलो टू की तरफ, टू से चलो थ्री की तरफ। यदि आपकी आंख क्लॉकवाइज घूमती है तो क्या होगा, आर होगा। यदि आपकी आंख एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो क्या होगा, वो एस होगा। यहां कैसे घूम रही है आपकी आंख, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो कौन सा होगा ये हमारा, तो ये इस कंपाउंड को हम कौन सा नेम देंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा आर नोमेनक्लेचर वाला कंपाउंड है। और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, एक बार फिर आप क्लियर कर लीजिए दोनों रूल को। पहला रूल क्या बताया हमने, काइरल कार्बन पे जो चार डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल दो। प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के बाद रूल सेकंड में बताया कि मॉलिक्यूल को इस तरीके से अरेंज करो कि लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला एटम या ग्रुप जो है वो बॉटम में आ जाए। लेकिन ऐसा करते समय मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपनी आंख को वन पे रखना है, वन से टू की तरफ घुमाना है, टू से थ्री की तरफ। यदि आंख क्लॉकवाइज घूमती है तो आर और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो एस। और एग्जांपल देते हैं, सपोज यू हैव सीएल बीआर सीएस थ्री एनएच टू, हमारे पास में ये कंपाउंड है और इसको हमको बताना है ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा या एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखो ये काइरल है या नहीं, देखो ना आप चारों डिफरेंट है, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कौन सा काइरल, ये कार्बन कौन सा है, काइरल कार्बन। आरएस याद रखना किस पे निकाला जाता है, आरएस केवल वहीं निकाला जाएगा जहां पे काइरल कार्बन प्रेजेंट होगा। ईजेड कहां निकाला जाता है, ईजेड निकाला जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे निकाला जाता है। बेसिक बात है, दिमाग में रखिए, बहुत आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। नंबर वन कौन है प्रायोरिटी ऑर्डर, देखो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है वन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन सेवन और सबसे कम कार्बन सिक्स। प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल दिया, अब क्या करना है, लोएस्ट वाले को बॉटम में लाना है। लोएस्ट वाला ये है फोर वाला, इसको कहाँ लाना है, बॉटम में। ये यहाँ कब आ सकता है, जब ये वाला यहाँ चला जाए, यानी इन दोनों को क्या करते हैं हम, इंटरचेंज। और हमने बताया यदि दो एटम को इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन आपको बदलना नहीं तो क्या करना है, यदि इन दोनों को चेंज किया तो इनको भी चेंज कर दिए साथ साथ। तो अब देखो बच्चों क्या बन गया हमारे पास, यहाँ हमारा आ गया वन, यहाँ आ गया हमारा फोर, ये टू यहाँ आ गया और ये तीन नंबर यहाँ आ गया। आपको कहाँ रखना है बच्चों, वन पे वन से टू, टू से थ्री, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो ये भी कौन सा आया, आर आ गया, दोनों आर आ गए। हम तो आपको एग्जांपल बता रहे हैं, आपको कुछ भी आ सकता है, आ रहा है या ऐसा है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन तो ध्यान नहीं देना है, आपको कंसेप्ट सीखना है। केमिस्ट्री का एक ही पॉइंट है, जितना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा चाहे आप हजारों क्वेश्चन लगाइए सब सॉल्व हो जाएंगे। और आप क्वेश्चन लगाते चलो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं तो सब बेकार है। और एग्जांपल देते हैं, सपोज सपोज यू हैव सी टू एच फाइव सी फोर एच नाइन, यू हैव सी थ्री एस सेवन और सपोज यहाँ पे सी एस थ्री। ये हमारे पास है, इसमें देखना है हमको आर होगा या एस होगा। नंबर वन कौन है, दिस वन, नंबर टू दिस वन, नंबर थ्री नंबर फोर। प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना जानते हैं, पहला आइटम कार्बन, इसमें चार कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें एक कार्बन है। पहला आइटम से देखते चले जाइए, जिसका जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा। फोर्थ वाले को बॉटम में लाना है, इन दोनों को चेंज किया, इनको किया तो इनको भी कर दो साथ साथ, जिससे कॉन्फ़िगरेशन ना बदले। तो देखो बेटा ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया फोर, यहाँ पे आ गया थ्री, यहाँ पे आ गया टू और यहाँ पे यहाँ पे हमारा फोर यहाँ आया, ये आया हमारा टू, ये आया हमारा थ्री, ये आया हमारा वन, ये बनाया। आपको किधर रखना है बच्चों, क्या बताया हमने, वन पे रखना है। और किधर जाना है देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये फोर बॉटम में आ गया, फोर को भूल जाना है, आपको वन पे रखना है। तो बच्चे क्या करेंगे, इधर घुमा देंगे। मैंने कहा वन से पहले टू पे जाना है और टू के बाद थ्री पे जाना है, फोर से मतलब नहीं, फोर को बॉटम में ला के भूल जाओ। ये वन से टू और टू से थ्री, ये भी कौन सा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या हो गया, आर हो गया। आप कोई एग्जांपल लीजिए और उसमें अप्लाई करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा वो आर होगा या एस होगा। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने केवल ऐसे कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली वन काइरल कार्बन एटम। सपोज कंपाउंड ऐसा ले लें जिसमें दो काइरल कार्बन, मान लीजिए हमारे पास में ये कंपाउंड है, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ले लें सी ओ एच एच ओ एच सी एल एच सी एस थ्री, यू हैव दिस कंपाउंड।
कितने कायरल कार्बन है? एक कायरल कार्बन देखो ये है, गौर से देखो इसमें H लगाया, COH लगाया, COH लगाया, ये पूरा लगाया, चारों डिफरेंट। एक कायरल है CLS, CH3, ये पूरा, इट हैज टू कायरल कार्बन। किधर से नंबरिंग करेंगे? IUPAC रूल पढ़ा है आपने, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग करो, 1, 2, 3 और ये 4। कायरल कार्बन 2 नंबर पे है और 3 पे, तो हमको 2 नंबर पे भी RS बताना है और 3 नंबर पे भी RS बताना है। तो बेटा देखो 2 पे निकालते हैं, जब 2 पे निकालना है तो इसको पूरा एक ग्रुप मान लो। तो अब देखो स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारे पास, COH, H, OH, CHCl, CH3, CHCl, CH3। बोलो नाउ प्रायोरिटी ऑर्डर निकालो, पहला एटम कार्बन, इसका पहला एटम ऑक्सीजन, इसका पहला एटम कार्बन, इसका पहला एटम हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है, नंबर 1। दूसरा एटम इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, इसमें दूसरा एटम क्लोरीन, ओपन करके देख लेना, इसको इस तरह से लिख लेना। सेकेंड एटम उसको माना जाता है जो पहले से अटैच हो, सेकेंड एटम इसमें क्लोरीन है, CHCl CH3। नंबर 2 ये हो गया बच्चों, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 ये हो गया। क्या करना है? 4 को बॉटम में लाना है, जब 4 को बॉटम में लाना है तो इन दोनों को चेंज किया, इनको चेंज किया तो इनको भी चेंज करो, जिससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। यहाँ क्या आएगा? यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 3 आ गया। आपको कहाँ रखना है? 1 पे, 1 से 2, 2 से 3, कौन से डायरेक्शन? एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। तो SI कितने पोजिशन पर निकाल रहे हैं हमने? 2 पे, तो क्या लिखेंगे इसको? 2S। 2 नंबर कायरल कार्बन पे S आ रहा है तो इसको हमने क्या लिख दिया? 2S से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ 3 पे निकालना, जब 3 पे निकालना होगा तो आप इसको पूरे को एक ग्रुप मानोगे, तो क्या हो जाएगा जरा गौर करें, ये हो जाएगा हमारे पास H, Cl, CH3 ऊपर हो गया, CHOH COH, दिस वन CHOH COH, ये पूरा ग्रुप एक हो गया। देखो बेटा इसमें पहला एटम क्लोरीन, इसका पहला कार्बन, इसका पहला कार्बन, इसका पहला हाइड्रोजन, नंबर 1 ही हो गया। दूसरा एटम इसका हाइड्रोजन, इसका दूसरा एटम ऑक्सीजन, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 ये हो गया। क्लियर हो रहा है? अब क्या करना है? 4 वाले को, जो फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर लोएस्ट वाला, बॉटम वाला, इन दोनों को चेंज किया तो इनको भी चेंज कर दिया हमने। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारा? यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2। आपको कहाँ रखेंगे? 1 से 2, 2 से 3। ये भी कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ये कौन सा हमारा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे हम? R, 3 पे R आया, 2 पे क्या आया? S, 3 पे क्या आया? R। तो इस कंपाउंड का पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम? 2S3R। बाकी आप सिस्टमेटिक इसका जो भी IUPAC नेम हो लिखा सकते हैं। तो RS कॉन्फ़िगरेशन कहाँ निकाला जाता है? जहाँ पे कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होते हैं। RS सिस्टम निकालने के लिए 2 रूल हैं। पहला रूल, जो भी कायरल कार्बन है उसपे 4 डिफरेंट एटम या जो ग्रुप लगे हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल लो। हाईएस्ट वाले को नंबर 1 दे दो, लोएस्ट वाले को नंबर 4 दे दो। रूल सेकंड में क्या बताया? आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर, अरेंज द मॉलिक्यूल इन सच ए वे that the atom or group of lowest priority order comes in bottom and arrange the molecule in such a way that the atom or group of lowest priority order comes in bottom without changing the configuration of the molecule and now see from highest priority order to lowest priority order. If your eye travels in clockwise direction then symbol R is used and if your eye travels in anti-clockwise direction then symbol S is used. तो ये जो भी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? R और S सिस्टम को निकाल सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी बुक का ले लीजिए आप, और IIT के लास्ट 20 ईयर के पेपर, नीट एम्स के लास्ट 20 ईयर के पेपर लगाइए, उसमें जितने भी क्वेश्चन है आज आप अप्लाई कर डालिए, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो इमीडिएट आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, आपको इमीडिएट उसका रेस्पॉन्स मिलेगा। नाउ अभी इसी में ये हमने जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताए, अब हम बताते हैं आपको R&S सिस्टम फॉर वेज एंड डैश फॉर्मूला। थोड़ा सा और एडवांस पॉइंट है, वेज एंड डैश फॉर्मूला क्या होता है? वेज एंड डैश फॉर्मूला, इसमें 2 केस बनेंगे जेंटलमैन। केस फर्स्ट, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड,
दिस वन COH, ये आपके पास में कोई कंपाउंड काइरल है, चारों डिफरेंट है, ये वेज और ये डॉट डॉट लगाए तो डैश, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलाता है, बोला जाता है वेज एंड डैश फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं इसमें? आप बुक में पढ़ेंगे तो आप में बुक में बहुत क्लियर नहीं होगा, बहुत टीडियस तरीके से वहां पर लिखा हुआ है, बहुत ईजी टेक्निक आपको बताता हूँ, और ये ऐसी टेक्निक है इसको कभी भी लगाओगे कभी फेल नहीं हो सकता, इट्स माय चैलेंज, कहीं भी लगा दें आपको किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको। क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर निकालो, नंबर वन कौन होगा, पहला एटम इसका ऑक्सीजन, इसका नाइट्रोजन, इसका कार्बन, इसका कार्बन, नंबर वन ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, इसका नंबर टू ये होगा सेवन, इसका पहला कार्बन, इसका पहला कार्बन, दूसरा इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, नंबर थ्री या नंबर फोर। पहला केस बेटा मैं वो बता रहा हूं, इसमें जो डॉटेड लाइन है ये शो करती है बिलो द प्लेन, इस तरह के स्ट्रक्चर में जो डॉटेड लाइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन यानी बॉटम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला था उसको बॉटम में लेके आ रहे थे, यहां ऑलरेडी बॉटम में डॉटेड लाइन पे लगा हुआ है, तो मैंने पहला केस वो लिया है जब लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला डॉटेड लाइन पे लगा हो, तो ये सबसे इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है, ऐसे केस में कोई भी चेंज नहीं करना है यदि लोएस्ट वाला डॉटेड लाइन पर लगा है। अपनी आंख को सिंपल वन पे रखो, वन से टू पे जाओ, टू से थ्री पे जाओ, आंख क्लॉकवाइज घूम रही है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एस, यहां देखो वन से गए टू की तरफ, टू से गए थ्री की तरफ, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या कहेंगे इसको हम, एस कहेंगे। पहला केस हमने क्या देखा, जब हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला डॉटेड लाइन पर लगा हो। दूसरा केस समझो, केस सेकंड, सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, कहीं हो सकता है डॉटेड डैश, ये जो है इससे मतलब नहीं समझना है कि फिक्स पोजीशन पे नहीं लगाना है, ये हमारे पास कंपाउंड है सपोज, प्रायोरिटी ऑर्डर निकालो, नंबर वन क्लोरीन का 17 होता है, सल्फर 16, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। क्या देखा आपने, लोएस्ट वाला डॉटेड लाइन पर नहीं है आपकी बार, जब लोएस्ट वाला डॉटेड लाइन पे नहीं है तो लोएस्ट वाले को कहां लेके जाना है, डॉटेड लाइन पे लेके जाना है, यानी इसको यहां ले जाएंगे तो ये यहां आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये कंपाउंड देखिए ये बन जाएगा, यहां एच आ गया हमारा, यहां हमारा सीएल आ गया, यहां हमारा क्या है ओएच है, यहां हमारा एसओ थ्री एच है, ये नंबर वन हो गया, नहीं सॉरी नंबर फोर है, ये नंबर वन यहां है आ गया, यहाँ ये थ्री है और ये नंबर हमारा टू है। क्या देखा, नंबर फोर लोएस्ट वाला डॉटेड पे पहुंच गया, यही करना होता है, अपनी आंख को कहाँ रखेंगे, वन, वन से टू पे, टू से थ्री पे, क्या हुआ है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो आर। लेकिन जेंटलमैन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है, यदि आपने गौर किया हो तो केवल हमने दो ग्रुप को इंटरचेंज किया है, और मैंने आपको अभी बताया था कि यदि केवल दो ग्रुप इंटरचेंज हो रहे हैं इसका मतलब कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन बदला होगा, तो यदि दो ग्रुप को बदलने से हमारा आर आ रहा है तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिखेंगे हम, एस, यदि एस आता तो ओरिजिनल को क्या लिखते हैं हम, आर। दो ग्रुप के इंटरचेंज करने से आ रहा है तो हमको इस कंपाउंड को क्या लिखना पड़ेगा, एस, तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया, एस। एक और एग्जांपल देते हैं इसका समझाने के लिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए, Br NH2 C2H5 और सपोज हियर CH3। बताओ नंबर वन कौन है प्रायोरिटी ऑर्डर, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर फोर, ये प्रायोरिटी ऑर्डर निकल गए। क्या करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाले को डॉटेड लाइन पे लेके जाना है। बच्चों यहां देखो, ये लोएस्ट वाला है, चार नंबर इसको यहां लेके जाओ तो ये वाला यहां आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। देखो क्या बना, ये सी नंबर लिख दो, डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर लिख दे रहे हैं यहां पे, ये फोर वाला यहां आ गया, ये वन वाला यहां आ गया, ये टू अपने स्थान पे, थ्री अपने स्थान पे, आंखों कहां रखोगे, वन पे,
वन से टू, टू से थ्री, कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, आर। लेकिन हमने दो को इंटरचेंज किया, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदला होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एस हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड है आरएस निकालने का। सारे क्वेश्चंस को अप्लाई करो, जितने डाउट्स हैं सारे डाउट्स पूछो। रिमेंबर दिस पॉइंट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, जितनी प्रॉब्लम्स है साथ के साथ उसको क्लियर करते चलिए। जो भी डाउट होता है, केमिस्ट्री यदि तुम्हारी समस्या है तो उसको भूल जाइए, केमिस्ट्री अब तुम्हारी समस्या नहीं है, उस समस्या को सबको मुझे दे दो, वो सब मैं हैंडल करूंगा। बस आपको मन लगा के पढ़ना है, डेली का वर्क डेली फिनिश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और भी बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके, इन सब बच्चों को इससे जोड़िए कि जो बच्चे दूर दराज में रहते हैं और केमिस्ट्री की कोचिंग नहीं कर पाते हैं, वो नहीं आ सकते हैं पढ़ने के लिए, वो यूट्यूब चैनल के थ्रू ही अपनी पढ़ाई को स्टडी करें। और जो हमारे ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसमें अपने सपनों को अनलॉक करिए। आईआईटी मेडिकल की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, 11 12th की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इमीडिएट इस चैनल पर आइए और अपनी सारी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम का समाधान करिए। भाई सर, डॉक्टर CP शर्मा, प्रयागराज। थैंक यू।